हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमन फैक्ट एंड स्टोरी। दोस्तों, आप कहानियाँ तो ज़रूर सुनते होंगे, लेकिन कुछ कहानी असल घटना में आधारित होती है। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। रमेश नामक एक लड़का था। रमेश कॉलेज में पढ़ाई करता था और कॉलेज के हॉस्टल में रहता था। रमेश हर दिन देर रात तक पबजी गेम खेलता था। रमेश एक दिन कॉलेज छुट्टी होने के बाद आया और फ्रेश होकर अपना सारा काम खत्म करके पबजी गेम खेलना शुरू कर दिया। खेलते खेलते 8 बज गया। फिर रमेश खाना खाने चला गया और खाना खाकर आने के बाद फिर से पबजी खेलना शुरू कर दिया। गेम खेलते खेलते रमेश को टाइम का पता ही नहीं चला। रात के ठीक 2 बजे व्हाट्सएप पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया, लेकिन रमेश रिप्लाई नहीं दिया। रमेश पबजी खेलने में बिजी था। खेलते खेलते रमेश के हेडफोन पे एक अजीब सी आवाज सुनाई दिया, जैसे कोई रो रहा है। रमेश तुरंत अपना हेडफोन को खोल दिया, आवाज बंद हो गया। फिर रमेश हेडफोन को लगा के गेम खेलना शुरू कर दिया। आवाज रोकने के बाद कुछ देर बाद फिर से किसी का चिल्लाने का आवाज सुनाई दिया हेडफोन में, और पबजी गेम अपने आप बंद हो गया। रमेश थोड़ा घबरा गया। उसी टाइम बाथरूम से टिप टिप पानी गिरने का आवाज आया। रमेश जाकर बाथरूम की तरफ देखा तो कोई नहीं रहता बाथरूम में। उसके बाद रमेश के मोबाइल में अपने आप एक वीडियो चलने लगा। रमेश मोबाइल को बंद किया और मोबाइल को रख दिया। उस रात रमेश डर के मारे अच्छे से सो नहीं पाता। फिर अगले दिन पता चलता है कि रमेश के सारे दोस्त मिलकर रमेश के साथ प्रैंक कर रहे थे। रात को रमेश कॉलेज छुट्टी होने के बाद अपना कमरा चले आता है और अपना काम खत्म करके YouTube में वीडियो देखने लग जाता है। वीडियो देखते देखते रमेश एक ब्लडी मेरी का वीडियो देखा। रमेश ब्लडी मेरी का वीडियो देखने के बाद सोचता है, क्या सच में भूत होते हैं? मेरे को एक बार ब्लडी मेरी चैलेंज जरूर ट्राई करना चाहिए। फिर रमेश रात को 3 बजे आईने के सामने जाकर 3 बार नाम लेता है ब्लडी मेरी का, ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी। उसके बाद कुछ नहीं होता। रमेश फिर से ट्राई करता है ब्लडी मेरी वाला चैलेंज, लेकिन दूसरी बार भी कुछ नहीं होता। रमेश सोचता है, भूत ऊत कुछ नहीं होता, सब झूठ है। रमेश फिर से ब्लडी मेरी चैलेंज करने के बारे में सोचता है। उसके बाद फिर से आईने के सामने जाकर 3 बार ब्लडी मेरी का नाम लेता है, ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी। उसके बाद अपने आप घर के सारे लाइट्स ऑफ हो जाते हैं। रमेश बहुत डर जाता है और अपना मोबाइल का लाइट्स ऑन करता है। तभी अचानक से बेड के नीचे से एक आवाज सुनाई देता है, रमेश, रमेश। रमेश जैसे ही बेड के नीचे देखता है तो एक जला हुआ फेस वाली औरत बेड के नीचे रहती है। रमेश उस औरत को देखकर बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब आंख खोलता है रमेश का, तो वो अपना बेड में होता है। रमेश को बहुत बुखार हो गया रहता है। रमेश अपना घर में फोन करके सब कुछ बताता है। सब कुछ सुनने के बाद रमेश की फैमिली आकर रमेश को घर ले जाते हैं। घर जाने के बाद रमेश बहुत खुश होता है। रात को सोते समय फिर से आवाज आता है, रमेश जोर से चिल्लाता है तो रमेश के सब घर वाले रमेश के कमरे में आ जाते हैं और रमेश को पूछते हैं क्या हुआ। रमेश सब कुछ बताता है। अगले दिन सुबह रमेश को मंदिर ले जाकर एक पंडित को दिखाते हैं। उसके बाद रमेश को अजीबोगरीब आवाजें आने बंद हो गए। दोस्तों, ये कहानी कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।